जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। मैं तो आसाराम जी बापू अभी फिलहाल कहाँ है आप सबको मालूम है, पर मुझे समझ में नहीं आता इस जगत को हो क्या गया। जिस संत ने वैलेंटाइन डे का नियम बदल दिया और वहां पे मातृ पितृ पूजन जगत को करवाया और पूरे विश्व में मातृ पितृ पूजन करवाया, उसको जेल में, जिस वृक्ष को पूजना चाहिए था तुलसी पूजन, का दिन खड़ा है। इस भारत में कोई वैलेंटाइन डे का मतलब नहीं था, 31 जनवरी का कोई नियम नहीं था, लेकिन 31 जनवरी आई, अंग्रेज गए हमको गुलाम बनाकर, वहां पे तुलसी पूजन बनाने में आया। अरे ऐसे संत को हम जेल में डाले। जिस संत ने अनेक अनेक नहीं लाखों अपने हिंदू धर्म को जो धर्मांतर कराकर जिन ईसाइयों ने लेकर गए थे मेरे बाप, वहां से वापस लाकर उनकी जिंदगी को बसाया और उसको जेल में, ये कहां का न्याय है। आखिर तो वो संत है जिस संत के चरण रस से अनेकों की जिंदगी सुधर गई, क्या वो जेल में रह सकते हैं। लेकिन ख्याल में रखना, खुद के स्वार्थ के लिए जो कोई संत अपनी शक्ति का उपयोग करे उसे संत नहीं कहते। ऐसे आसाराम आज जेल में है मेरे, जो खुद के शक्ति का खुद के लिए प्रयोग नहीं करते। जो खुद के शक्ति के लिए प्रयोग करे वो तो चांगदेव हो सकता है, वो विश्वामित्र हो सकते हैं, लेकिन ख्याल में रखना जो खुद के शक्ति का प्रयोग दूजों के काम के लिए करे उसी का नाम वशिष्ठ कुलगुरु कहा जाता है। आज आसाराम बापू, मैं धन्यवाद देता हूं कि बापू जेल में हैं, फिर भी उनके साधक लाखों करोड़ों साधक अपनी आस्था आज भी टिकाए हुए हैं। देखा वहां कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऑफिसर लोग सुप्रचार की सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव के गुणगान गा रहे हैं, सेवा में लगे हैं। मेरे बाबा जैसे बाबा पहले थे वैसी सेवा चलती थी, लेकिन आज बाबा यहां पर शरीर से नहीं साधकों के अंदर भीतर उनके हृदय में आत्मा डालकर खुद का काम अपने सेवकों से करवा दे, इससे बड़ी शक्ति क्या चाहिए मेरे बाप। कौशिक जी महाराज, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, इन्होंने पूज्य श्री आसाराम बापू जी के प्रति बहुत कुछ बोला है मेरे बाप। सब संत समाज, जैसे प्रभु श्री राम ने बंदर भालुओं के सेतु बांधने के समय अवसर दिया था कि राम जी में वह शक्ति नहीं थी कि खुद सेतु बनवा सके, राम जी में क्या वो शक्ति नहीं थी कि वो अपना सेतु बनवा सके। जो पूरे विश्व का तख्ता पलट सकता है तो वो क्या बंदरों के पास में से अपना सेतु बनवाएगा। वैसे ही सदगुरु क्या अपने साधकों के पास से सारा काम करवाएगा। वो तो इसलिए करवाते हैं कि मैंने जो चिन्ह यहां पर छोड़े हैं वो मेरे लायक है कि नहीं, यही उनकी परीक्षा है। और साधक उनकी आज सेवा कर रहे हैं तो गुरुदेव जेल में रहने के बाद में भी खुश है। खुश
जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।